हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी, जो कि एक न्यू सब्जेक्ट है। अभी तक हमने दोस्तों पढ़ा है पॉलिटी, और पॉलिटी हम दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अभी इसके क्वेश्चंस बचे हैं जो कि एसएससी जेईई में पूछे गए हैं, उसको मैं बाद में कराऊंगा। जैसे ही सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे फिर एक क्वेश्चन सीरीज चलेगी दोस्तों, ठीक है। तो हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी जेईई पूछता है, और आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सभी को कवर करेंगे दोस्तों। तो देखो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इन सभी लेक्चर्स को लेना है, तो आपने इनरोल करना होगा। और मुझे दोस्तों इस नंबर पे मैसेज करना होगा 9568738917। देखो बहुत मेहनत लगती है इन सभी को करने में, क्योंकि देखो मैं अगर बेसिक से मतलब सभी चीज़ें पढ़ाने लग जाऊँ आपको, बायोलॉजी को स्टार्ट कर दूँ और 100 घंटे में कंप्लीट करूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, मैं पहले 3 से 4 घंटे एनालिसिस करता हूँ। जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं उनको देखता हूँ कि कितने क्वेश्चन बने हैं और किस टॉपिक से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मैं दोस्तों चीज़ों को देखता हूँ, उसके बाद ही पीडीएफ बनाता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और दोस्तों इसमें हम 50% एक्स्ट्रा भी ऐड करते हैं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट हो सके। तो इन चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए आपको इनरोल करना होगा। तो आपने मुझे इस नंबर पे मैसेज करना होगा। देखो हम सभी जीके और जीएस इंक्लूडिंग रीजनिंग सभी दोस्तों लिमिटेड टाइम में करा देंगे आपको, ठीक है। मैंने बायोलॉजी का टारगेट रखा है 15 आवर्स, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी चलेगी, उसको भी 15 आवर्स में पढ़ेंगे। तो इस टाइप से हम लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लेंगे, और दोस्तों यहाँ से आप यकीन मानिएगा 40+ मार्क्स आप ला सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर वीडियो लेक्चर देखे, प्लस जितने भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपने एग्जाम से पहले उसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लिया, तो आपके 40+ मार्क्स बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। सबसे पहले हम जानते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो देखो दोस्तों सिंपल बताऊँ, बायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यहाँ पे दोस्तों बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी जहां भी आपको दिखे, लाइट चली गई है कोई बात नहीं, लॉजी का मतलब होता है दोस्तों सिंपल स्टडी। अब देखो जो बायो वर्ड है दोस्तों, ये पूछा जाता है ये कहां से लिया है, ये लिया है दोस्तों ग्रीक से, ये है दोस्तों ग्रीक वर्ड, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई हमारी बायोलॉजी की। अब देखो बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस होती हैं मेनली, जूलॉजी एंड बॉटनी। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बट हम यहाँ पे जो भी हमारा डिस्कशन रहेगा दोस्तों वो इन्हीं 2 ब्रांचेस पे रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन भी आपके इन्हीं 2 ब्रांचेस से बनते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे प्रोसीड करते हैं, इसमें जानेंगे दोस्तों जितनी भी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी में उनके जनक कौन कौन थे दोस्तों, या यूं कहें दोस्तों फादर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखा है फादर ऑफ मेडिसिन, आपने बताना है फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। तो दोस्तों ये है हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस को ही हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, ध्यान में रख लेना दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे, तो इसलिए 2 से 3 बार रिपीट कर लेना इन चीज़ों को। चलिए देखते हैं दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। देखो दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी कौन है दोस्तों, ये हैं एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 3 पर फादर ऑफ बॉटनी एंड इकोलॉजी। देखो दोस्तों इकोलॉजी क्या है और बॉटनी क्या है, देखो इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम अपना देखते हैं, ठीक है। जब मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंट का बेसिक मतलब इकोलॉजी पढ़ना होता है, ठीक है, तब आपको बताऊंगा इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बॉटनी मतलब प्लांट की स्टडी जो होती है उसको हम बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके फादर दोस्तों, दोनों के फादर हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस।
देखो नाम थोड़े से ओड हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं बायोलॉजी तो आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी दोस्तों नाम को याद रखने में, बट जैसे आप इससे यूज्ड हो जाएंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन नाम को याद रखने में, जैसे हिप्पोक्रेटस, थियोप्रेस्टस, एरिस्टोटल, लियोनहॉग, ये सभी दोस्तों फिर आपके लिए कॉमन हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप आप सभी जानते हैं और इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन मेडिकल, ये आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि मेडिकल में हम बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके स्टडी करते हैं, ठीक है, सेल्स को पढ़ते हैं, तो देखो उसको जूम करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोप, मतलब उसको जूम करके अंदर तक देखता है, ठीक है, छोटी सी इमेज को बड़ा बना देता है, बहुत बड़ा। तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कौन है दोस्तों, ये हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग, ठीक है, ल्यूवेनहॉग याद रखना है आपने, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं इनसे। चलिए अब देखते हैं दोस्तों फादर ऑफ साइटोलॉजी। पहले तो देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाएगा आपसे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो आपने बताना है दोस्तों रॉबर्ट हुक। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों साइटोलॉजी क्या होती है, तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं दोस्तों, जिसको मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, अभी हम इसके जस्ट बाद साइटोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो साइटोलॉजी इज नथिंग बट दी स्टडी ऑफ सेल, और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है आपने। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर दोस्तों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। देखो दोस्तों जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ना क्लासिफिकेशन, तब इन चीज़ों को पढ़ते हैं, ये बेसिकली दोस्तों क्या है, क्लासिफिकेशन ही करता है, टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट दी क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम, ठीक है। नोमेनक्लेचर दोस्तों उनका नाम रखते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारा नाम है होमो सेपियन, तो ये क्या है दोस्तों नोमेनक्लेचर किया हुआ है, ठीक है। अब देखो इनके जो फादर हैं दोस्तों ये पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर, तो ये हो जाएंगे दोस्तों कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस को ही हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आता है दोस्तों 7 नंबर पे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी आप सभी समझते हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है, मतलब कि जो हमारी डिसीज को रोकने की क्षमता होती है, पावर होती है, उसको ही बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें उसी का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर है दोस्तों, देखो जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँ या ना बताऊँ आपको समझ लेना चाहिए, जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा बकवास यहाँ पे नहीं करेंगे दोस्तों। फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सिस, देखो दोस्तों कंडीशन रिफ्लेक्सिस क्या होते हैं, जैसे कि क्रिकेट, लेट सपोज हम क्रिकेट के प्रेमी हैं तो क्रिकेट से ही रिलेट करते हैं सभी चीज़ों को, तो देखो क्रिकेट में क्या होता है, अगर बाउंसर आई है तो आप ने बाउंसर अगर पहली बार खेली है तो आप नहीं खेल पाएंगे, आप नहीं खेल पाएंगे, बट अगर आपने कई बार बाउंसर को खेल लिया है तो आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है वो एकदम आपको दोस्तों इंडिकेट करेगा कि हाँ आपने ये वाला स्टेप लेना है। तो ये क्या है दोस्तों सिचुएशन के आधार पे दोस्तों सेम सेम प्रोसेस को परफॉर्म करना या सेम टास्क को दोस्तों परफॉर्म करना इज कॉल्ड कंडीशन रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो इसको इनके पिता कौन हो जाएंगे दोस्तों, पावलोव। पावलोव आपने याद रखना है, देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एसएससी के सीएसएचएल में पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 10, फादर ऑफ एंटीबायोटिक, जो आप एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं ना उनके फादर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएंगे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज कॉल्ड फादर ऑफ एंटीबायोटिक। फिर बात आती है दोस्तों फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन मतलब जो हमारे
आर्टरीज वेंस में ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड चलता है दोस्तों, उनके फादर ये हैं दोस्तों विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को ही दोस्तों बोला जाता है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 12 की, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, जो भी आप ब्लड ग्रुप देखते हैं उनके फादर कौन है दोस्तों, लैंड स्टीनर। ठीक है, लैंड स्टीनर। फिर बात आती है आपकी पॉइंट नंबर 3 की, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो दोस्तों, जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये किसके लिए की गई थी, उपज बढ़ाने के लिए। भाई जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है उसमें हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप को क्या करते हैं, फार्म करते हैं, ठीक है, सोन करते हैं, जैसे कि दोस्तों गेहूं, बाजरा, चावल, ये सभी चीज़ें, तो इनकी उपज बढ़ाने के लिए एक क्रांति लाई गई दोस्तों, जिसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये वर्ल्ड में अगर बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइज दोस्तों हो जाएंगे आपके नॉर्मन ई बार्लो, नॉर्मन ई बार्लो। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता की, तो ये हो जाएंगे दोस्तों एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। अब चलिए बात करते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आपने बताना है दोस्तों सलीम अली। अब देखो इनका कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट से याद करा दूंगा, ये तो आपको याद ही करने होंगे दोस्तों, 2 से 3 बार रिपीट करने होंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है दोस्तों सलीम अली को, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबोटनी। अब देखो दोस्तों पैलियोबोटनी क्या है, अब आपको कन्फ्यूजन होगा, वॉट इज पैलियोबोटनी। तो दोस्तों पैलियोबोटनी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं एंशियंट प्लांट्स की, जो दोस्तों विलुप्त हो चुके हैं, जो विलुप्त या खत्म हो चुके हैं, उन प्लांट्स की दोस्तों स्टडी करते हैं। अब ये ऐसे कैसे स्टडी करेंगे जब प्लांट ही नहीं है, तो दोस्तों उनका जो फॉसिल होता है उनको हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि किस टाइप के प्लांट्स थे, तो इनको बोला जाता है दोस्तों पैलियोबोटनी। तो ये हो जाएंगे दोस्तों बीरबल साहनी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में साइंटिस्ट की कमी है, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत कम हैं, बट फिर भी बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट निकलते हैं। देखो पैलियोबोटनी की जो शुरुआत या मतलब जनक हैं वे बीरबल साहनी हैं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आप सभी समझते हैं। ठीक है, इसका एक चैप्टर भी पढ़ेंगे दोस्तों, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हो जाएंगे दोस्तों जोहन मेंडल, जोहन मेंडल। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट है आपका, आप कंप्लीट हो चुके हैं, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों सेल बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर मैंने स्किप कर दिया है, उसको मैं आगे ऐड करूंगा, ये दूसरा चैप्टर है जिसको बोलते हैं दोस्तों सेल बायोलॉजी, मतलब हम इसमें सेल या फिर कोशिका का अध्ययन करने वाले हैं। अब कोशिका क्या होती है क्या नहीं होती है, अभी हम समझने वाले हैं दोस्तों कि सेल क्या होती है। देखो दोस्तों अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाने जाऊं, तो हम साइंस बैकग्राउंड से हैं बट हमारे पास बायोलॉजी तो नहीं होती, बट हमारे पास केमिस्ट्री होती है, तो यहीं से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो दोस्तों हम बोलते हैं कि मैटर होता है, मैटर को जब तोड़ते हैं मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल को जब तोड़ते हैं एटम बनते हैं, एटम को जब तोड़ते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनते हैं, उनको भी तोड़ते हैं तो अल्फा, ठीक है, बीटा, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, उनको नहीं पढ़ना है। अब देखो जो एटम है इसको भी छोड़ दो, एटम से ही मिलके सभी चीज़ें बनती है, एटम से ही मिलके सभी चीज़ें बनती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था दोस्तों, डाल्टन ने क्या बोला कि देखो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम होती है, मतलब कि इससे नीचे इसको नहीं तोड़ सकते, इसको बोला इन्होंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। सेम बायोलॉजी में होता है दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है, सेल को भी आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। देखो सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनको पढ़ेंगे, बट एक बेसिक यूनिट क्या है, सेल, सेल से ही पूरा स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों, जैसे एटम से मैटर बनते हैं ऐसे ही दोस्तों सेल से पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, सभी को समझेंगे। ठीक है, सभी के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूं हार्ट, हार्ट है तो हार्ट किससे बना होगा, सेल से बना होगा,
कैसी सेल से बना हुआ दोस्तों? सेम फंक्शन वाली सेल से, जिनका फंक्शन ड्यूटी सेम है, जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करेगी वे कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद दोस्तों टिश्यू का निर्माण करेंगे, टिश्यू का निर्माण करने के बाद ऑर्गन का निर्माण करेंगे, मतलब कि हमारा एक हार्ट बन जाएगा। जैसे कि दोस्तों पेनक्रियाज है, लीवर है, ये सभी क्या है? ऑर्गन है। तो ये किससे मिलके बने हैं? ये बने हैं दोस्तों सेम टाइप के सेल से मिलके बने हैं, जिनका दोस्तों फंक्शन सेम होता है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो सेल दोस्तों क्या है? बेसिकली इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की सबसे छोटी इकाई को सेल बोला जाता है, एंड ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और बिल्डिंग ब्लॉक इसी को बोला जाता है दोस्तों, मतलब कि इसी से हमारा पूरी बिल्डिंग, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो सभी इसी से बनता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जितने भी मैंने हाईलाइट किए वे तो आपने ऐसे देखने हैं कि बस इनको खा जाना है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे मत, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, मतलब सेल को किन्होंने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665 में दोस्तों। 1665 मतलब कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया। और ये किसको डिस्कवर किया था दोस्तों? सेल को किया था। कौन सी सेल को? तो डेड सेल को किया था दोस्तों। देखो सेल आपकी दो टाइप की होती है, लिविंग सेल होती है और डेड सेल होती है, ठीक है। तो डेड सेल किसमें होगी? जो डेड होगा मतलब कि कोर्क, जो लकड़ी का टुकड़ा होता है कोर्क, सैंपियन पे आपने देखा होगा, ठीक है। हम इतने रईस तो हैं नहीं जो सैंपियन पीते हैं, बट हाँ सैंपियन में होता है और में भी होता है, ठीक है, बट मोस्ट कॉमन आपको सैंपियन में मिलेगा। कोर्क का टुकड़ा ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे बोतल है, बोतल के ऊपर लगा होता है। तो इनकी सेल को दोस्तों इन्होंने डिस्कवर किया। अब इन्होंने सैंपियन से नहीं निकाली थी भाई, कोर्क का टुकड़ा है तो कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डेड सेल थी दोस्तों। तो पूछा जाए आपसे कि इन्होंने कौन से सेल को डिस्कवर किया था, तो डेड सेल को। किसमें किया था? कॉर्क में किया था, सिंपल है। अब बात आती है कि लिविंग सेल को किन्होंने डिस्कवर किया, तो इन्होंने किन्होंने किया थे दोस्तों, ये किया है लिवेन हॉक ने। लिवेन हॉक फर्स्टली ऑब्जर्व लिविंग सेल इन पोंड वाटर, जो पोंड वाटर होता है ना, तालाब का पानी, उसमें दोस्तों इन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। उस सेल को दोस्तों हम बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हमने जानना है कि सबसे छोटी सेल किसकी है, सबसे बड़ी सेल किसकी है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट सेल किसका है दोस्तों? बैक्टीरिया का है, ठीक है। ये नाम बहुत बार आएगा दोस्तों, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसको मैं अलग से जब मैं बैक्टीरिया वायरस और फंगी को पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब कि एक सेल का होता है। देखो सेल एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर एक है तो यूनि सेलुलर, दो एक से ज़्यादा है तो मल्टी सेलुलर। तो ये सिंगल सेल आपका ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे छोटी सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्लाज्मा गैली स्पेक्ट्रम। माइक्रो प्लाज्मा गैली स्पेक्ट्रम किसका नाम है दोस्तों? उस सेल का नाम है जो सबसे छोटी सेल है, ठीक है। तो डायरेक्ट नाम पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटी सेल का नाम बताइए, तो आपने बताना है माइक्रो प्लाज्मा गैली गैली स्पेक्ट्रम, और किसमें पाई जाती है? बैक्टीरिया में पाई जाती है दोस्तों। देखो लार्जेस्ट सेल किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच एग की जो सेल होती है सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है। अब यहाँ पे दोस्तों जानेंगे नंबर ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक बार पानी पी लेते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या मतलब है दोस्तों? इनका मतलब है कि एक सेल के ऑर्गेनिज्म, जैसे कि दोस्तों अमीबिया, पैरामीशिया, इसको अमीबा बोलते हैं, अमीबियम नहीं बोलते, अमीबा।
पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तीन नाम आपने ध्यान रखने हैं, पूछा जाएगा अमीबिया मतलब अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सभी सिंगल सेलुलर होते हैं दोस्तों, या मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। अब देखो अमीबा कैसा दिखता है, पैरामीशियम कैसा दिखता है, बैक्टीरिया कैसा दिखता है, बीच बीच में हम इनका जिक्र करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है आपको, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखो यह है आपका अमीबा, ठीक है। इसके पार्ट नहीं जानने हैं आपने, बस इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका शेप ऐसा है, बस ये जानना है आपने, ठीक है। देखो इसमें न्यूक्लियस भी होता है दोस्तों, बट ध्यान देना है जब मैं आगे आपको न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लैक ऑफ मेम्ब्रेन भी होती है, इन सभी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखो ये है पैरामीशियम, तो पैरामीशियम चप्पल की तरह होता है, जो हमारी चप्पल होती है ना, सेम उसी की शेप होती है। अब बात करते हैं दोस्तों मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर आपके जिसमें एक से ज़्यादा सेल होती है तो उनको बोलते हैं दोस्तों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हो जाएंगे दोस्तों फंगी, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, प्लांट को भी अच्छे से पढ़ेंगे, एनिमल को भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एनिमल के पार्ट हम हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दोस्तों वे एनिमल का ही पार्ट होती है। कभी आप एनिमल गधे घोड़े समझो, ठीक है, वे नहीं होते, ठीक है, वे भी होते हैं बट हम भी होते हैं, मतलब हम गधे घोड़े नहीं हैं बट फिर भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है, वी कांट मॉडिफाई दिस। चलिए बात करते हैं दोस्तों सेल थ्योरी, देखो एक थ्योरी आई थी दोस्तों सेल थ्योरी, ठीक है, क्या क्या इन्होंने बोला चलिए उसको जानते हैं। और सेल थ्योरी के जनक किसको बोला जाता है, मतलब कि इसको किन्होंने दोस्तों प्रस्तुत किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ये थे दोस्तों शेल्डन एंड श्वान। शेल्डन और श्वान ने दोस्तों सेल थ्योरी दी थी। अब इनके हाइपोथेसिस क्या हैं चलिए जानते हैं। इन्होंने बोला दोस्तों ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर, मतलब सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों, सभी जीव किससे बनते हैं, ये बनते हैं दोस्तों एक या एक से ज़्यादा सेल से, बट ऐसा नहीं होगा विदाउट सेल किसी का भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, कोई भी विदाउट सेल नहीं हो सकता है, सभी के अंदर सेल होती है। सेकेंड दोस्तों सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन, मतलब कि स्ट्रक्चर और मतलब कि फंक्शनल बेसिक यूनिट होती है सेल, बट ये दोस्तों डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल आर फॉर्म, मतलब इन्होंने नहीं बताया दोस्तों कि कैसे न्यू सेल बनती है। आपने सुना होगा सेल मरती भी है, ठीक है, सेल दोस्तों बढ़ती भी, ठीक है, जैसे कि कैंसर, कैंसर मैं कैंसर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें आपको पता चल जाएगा। देखो कैंसर में क्या होता है, कैंसर में सेल बढ़ती है, सेल बढ़ने लगती है, और ये ऐसी सेल होती है दोस्तों दोस्तों हार्मफुल सेल होती है, ठीक है। तो सेल कैसे बढ़ती है दोस्तों, भाई एक से दो बन रही है, कैसे बन रही है, तो ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों रुडोल्फ विर्चाव, रुडोल्फ विर्चाव दोस्तों एक साइंटिस्ट नेम है, इन्होंने दोस्तों फर्स्ट एक्सप्लेन किया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल ही डिवाइड होके न्यू सेल क्रिएट करती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल ही न्यू सेल को क्रिएट करती है, जिसको दोस्तों हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल दोस्तों डिवाइड होके दूसरी सेल में बदल जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरेंट सेल और इनको बोलते हैं दोस्तों डॉटर सेल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एंड गिव दिस सेल थ्योरी फाइनल शेप, मतलब सेल थ्योरी को इन्होंने फाइनल शेप दी, और इनके अनुसार दोस्तों अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ विर्चोव जो सेल थ्योरी होगी पहले और दूसरे मतलब ये वाले हो जाएंगे, और तीसरा दोस्तों ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। यहाँ पे दोस्तों एक खतरनाक गुंडे का नाम आता है वायरस, जो कि इस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि बहुत हरामी बच्चे होते हैं ना क्लास में, ठीक है, वे किसी भी नियम कानून को नहीं मानते हैं, तो ऐसे दोस्तों वायरस है बहुत बार आप दिखेंगे कि ये बहुत सारी चीज़ों को फॉलो ही नहीं करता है, ठीक है, इसलिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है वायरस, वायरस की जो भी डिसीज होती है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, और जिसको फॉलो नहीं करेगा तो उस पर स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होगा दोस्तों, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। देखो दोस्तों ये है सेल स्ट्रक्चर। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पिंक जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों केंद्रक। केंद्रक जैसे कि दोस्तों एटम में होता है एक सेंटर होता है, ऐसे ही इसमें होता है। ठीक है, ध्यान देना, जैसे केमिस्ट्री में एटम पढ़ते हैं ना, एटम में एक सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ऐसे ही दोस्तों सेम सेल में आपका न्यूक्लियस होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्र। देखो दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें डीएनए, आरएनए, ठीक है, ये सभी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज को, जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना पूरी सेल में, उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस, जिसको आप अभी पढ़ने वाले हैं, जस्ट अभी सभी पार्ट्स को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये दोस्तों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको भी देखेंगे। इसके बाद जो आप ये लिक्विड फ्लूड या फ्लूड देख पा रहे हैं दोस्तों, विस्कस फ्लूड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वैसे दोस्तों जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा साइटोप्लाज्म क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है आपका न्यूक्लियस में, इसको क्यों न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें डीएनए होता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो ग्रीन देख पा रहे हैं ये लाइसोसोम है, ठीक है, ये दोस्तों राइबोसोम है, ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी देती है दोस्तों, ठीक है, और ये दोस्तों गोल्की अपैरेटस। सभी को एक एक करके समझने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम समझेंगे न्यूक्लियस के बारे में, या चलो सेल वॉल देखते हैं पहले, सेल वॉल क्या होती है। तो देखो दोस्तों सेल वॉल क्या होती है समझते हैं, मतलब सेल की एक दीवार होती है। अब ये दीवार कैसी होगी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये होती है दोस्तों रिजिड बट फ्लेक्सिबल कवरिंग। देखो ये दीवार है ना, ये हमारी मैसनरी दीवार है, वॉल है। इसके बाहर हमने, इस पर हमने प्लास्टर किया हुआ है, 12 mm का प्लास्टर किया हुआ है हमने, ठीक है। तो देखो दीवार तो रिजिड है बट प्लास्टर हमने कैसा कर दिया है, हमने फ्लेक्सिबल कर दिया। तो ऐसे ही दोस्तों रिजिड होती है सेल वॉल, बट इस पर कवरिंग कैसी होती है? फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है, ठीक है। और ये क्या करता है दोस्तों? शेप प्रोवाइड कराता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। जो स्ट्रक्चर सपोर्ट होती है मतलब कि किसको? सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है सेल वॉल। अब यहाँ पे दोस्तों ये प्रोटेक्ट करता है बाहर से आने वाले अटैक्स को और इन्फेक्शन को। सेल जो है दोस्तों वो सेल वॉल से ढकी हुई होती है, कवर होती है, ठीक है। तो बाहर से जितने भी इन्फेक्शन आएंगे, जितने भी अटैक आएगा, कौन रोकेगा दोस्तों? सेल वॉल रोकेगी। अब यहाँ पे देखो फाउंड इन प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी एंड सम आर्की। देखो दोस्तों प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी और सम आर्की जो होते हैं इनमें सेल वॉल पाई जाती है। बट आपको बताऊं दोस्तों बैक्टीरिया में उतनी अच्छी सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, उतनी अच्छी सेल वॉल बैक्टीरिया में नहीं होती है दोस्तों। एल्गी, इसको भी हम देखेंगे दोस्तों। अब देखो आर्की क्या होता है? आर्की ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। देखो जब हम दोस्तों क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, थ्री किंगडम पढ़ते हैं, फोर किंगडम पढ़ते हैं, फाइव किंगडम पढ़ते हैं, मतलब कि क्लासिफाइड करते हैं सभी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसके बाद एक सिक्स क्लासिफिकेशन भी आता है दोस्तों, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो फाइव किंगडम में एक आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा और भी आते हैं, ठीक है। तो मोनेरा में दोस्तों बैक्टीरिया को डाला है, बैक्टीरिया को, और इसके साथ आर्की बैक्टीरिया को भी डाला है दोस्तों। बट उसके बाद दोस्तों एक साइंटिस्ट आते हैं वोन मेसिस, कुछ ऐसा ही नाम है उनका, ठीक है, ह्यूज करके ऐसा ही कुछ नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने क्या काम किया दोस्तों? उन्होंने स्टडी की और उन्होंने बोला दोस्तों कि आर्की जो बैक्टीरिया है इसके गुण बैक्टीरिया से नहीं मिलते हैं, इसके गुण बैक्टीरिया से नहीं मिलते हैं, ये अलग होता है दोस्तों। इसलिए इन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। पूछता नहीं है बट नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। तो इनमें आपकी सेल वॉल मिलती है। अब आप पूछेंगे कि क्या हम में सेल वॉल मिलती है, मतलब
एनिमल में सेल वॉल मिलती है, तो आंसर होगा दोस्तों नहीं, एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती। एनिमल एंड प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में अमीबा आ जाएगा दोस्तों, अमीबा, पैरामीशियम आ जाएगा, युगलिना आ जाएगा और ट्रिप्रोमोनाज आ जाएगा दोस्तों। तो इनमें दोस्तों आपकी सेल वॉल नहीं होती है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ट्रिप्रोमोनाज, ठीक है। ये आपको इंडिविजुअल नहीं पूछेगा, प्रोटोजोन पूछ लेगा। आपने बताना है एनिमल और प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों बैक्टीरियल सेल वॉल की। तो जो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये बनी जाती है, ये बनी होती है दोस्तों पेप्टिडो ग्लाइकेन की, पेप्टिडो ग्लाइकेन की। बात करेंगे दोस्तों फंगी, फंगी की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं सभी पॉइंट, ठीक है। एल्गी की सेल वॉल बनी होती है दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड की, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड की। और प्लांट की बनी होती है दोस्तों सेलुलोज की, ठीक है। प्लांट की किसकी बनी होती है दोस्तों, सेलुलोज की। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या है दोस्तों, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और यही दोस्तों कवरिंग होती है, जो मैंने कवरिंग बताई थी ना अभी, जो हम प्लास्टर कर रहे थे दीवार पे, वही प्लास्टर क्या है दोस्तों, सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये दोस्तों आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, सेपरेटिंग द कंटेंट्स ऑफ ऑल सॉरी ऑल सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो ये सेल है, यहाँ पे कवरिंग लगी हुई है, तो ये सेपरेट करता है दोस्तों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंटेंट को इनसाइड के कंटेंट से, ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। और ये किसका बना होता है दोस्तों, लिपिड का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड का बना होता है दोस्तों और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। क्या होता है लिपिड, क्या होते हैं प्रोटीन, इनको भी आगे चल के, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे सभी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा विद एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ से पूछा जाएगा कि ये कैसी होती है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, तो ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है एंड सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब है दोस्तों ये उन चीज़ों को ही अलाउ करती है अपने अंदर से जाने के लिए जो कि अच्छी होती है, जो कि इनके लिए नीडेड होती है दोस्तों, उन्हीं को ये अलाउ करती है, अदरवाइज और को सबको ये रोक देती है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर टाइप का होता है जिसमें फंक्शंस फिल्ड होते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों वायरसेस डू नॉट हैव सेल वॉल। देखो ये वायरस यहाँ भी आ गया गुंडा टाइप का, ठीक है, ये सेल वॉल भी नहीं रखता है, ठीक है, ना तो सेल थ्योरी को फॉलो करता है और ना इसके पास सेल वॉल होती है, और इसका न्यूक्लियस भी दोस्तों क्लियरली डिफाइन नहीं होता है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ सेल वॉल। क्या क्या फंक्शन है दोस्तों, ये प्रोटेक्ट करता है इंटीरियर कंपोनेंट्स को ऑफ द सेल बाय द सेलेक्टिवली अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस जैसे कि आयंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये दोस्तों एक तो प्रोटेक्ट करता है सेल को, ठीक है, दूसरा दोस्तों ये क्या करता है, जो भी कंपोनेंट होते हैं, जो भी कंपोनेंट है इन और आउट, ठीक है, इन एंड आउट, ठीक है, तो ये उनका दोस्तों मूवमेंट करता है। अब देखो ये बॉडी है, ये बॉडी है दोस्तों, और इसमें ये हार्ट है, तो ये हार्ट में दोस्तों बहुत सारी सेल्स होंगी, सभी का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, सेम फंक्शन होता है, अगर सेम ऑर्गन है तो, एक सेल दूसरी सेल से इंटरेक्ट करती है, ठीक है, आदान प्रदान करती है चीज़ों का, तो किसके थ्रू करती है, ये करती है दोस्तों इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। जैसे कि दोस्तों प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, इन सभी का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। फ्लेक्सिबल नेचर होती है, इसको आप खुद से पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा है दोस्तों फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन अलाउज द सेल टू इनग्लव फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड दिस प्रोसेस ऑफ इनटेक इज नोन एज इंडोसाइटोसिस। देखो दोस्तों इंडोसाइटोसिस क्या होता है, बाहर से फूड को लेना अपने अंदर, इसी को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, ठीक है, जिस जो होता है आपका अमीबा में, एग्जाम्पल याद रखना है अमीबा में यही प्रोसेस होता है आपका फूड लेने। इट ऑल्सो सर्व एज ए बेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ साइटो स्केल्टन इन सम ऑर्गेनिज्म।
अब ये क्या होता है साइटोस्केलेटन, इसको आगे समझेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए, ये बेस प्रोवाइड कराता है दोस्तों साइटोस्केलेटन को, जैसे कि दोस्तों ये बेस प्रोवाइड कराता है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है, जिसको अभी पढ़ने वाले। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोस्तों सबसे पहला पूछा जाएगा कि इसको किसने डिस्कवर किया था, तो इनको डिस्कवर किया था दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और बच्चे या स्टूडेंट भूल कर जाते हैं कि न्यूक्लियस से कहाँ बनेगा क्वेश्चन, बस इसका फंक्शन जान लेते हैं, ठीक है। तो जानना है आपने कि इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं दोस्तों ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, ये मेजर कंट्रोलिंग सेंटर होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ब्रेन होता है कंट्रोलिंग सेंटर, ठीक है, सिग्नल भेजता है, रिसीव करता है और फिर बॉडी परफॉर्म करती है जो कि उसने उनको दिया है काम, ठीक है। तो ये भी दोस्तों एक सेंटर होता है और जिसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं, चलिए जानते हैं सभी को। जैसे कि दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो न्यूक्लियस में आपका डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को समझेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, जो न्यूक्लियस होती है ना उसके चारों ओर लगी होती है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा। अब चलो साइटोप्लाज्मा को समझते हैं। देखो एक थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेते हैं, यहाँ पे ये है मेरा सेल, समझ लो इसमें ये न्यूक्लियस है और इस पूरे में दोस्तों क्या भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है, विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड। जिसको बोलते हैं दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है दोस्तों, एक विस्कस लिक्विड है, जेली टाइप का होता है, जो जेली आप देखते हैं उस टाइप का होता है, ये आपका प्रोटोप्लाज्म। अब देखो क्या होगा दोस्तों, देखना एक इसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर भी है प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बाहर भी है प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, जिसको आप अभी देखने वाले हैं, और जो न्यूक्लियस के बाहर सेल में मौजूद है दोस्तों उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन अलग करता है दोस्तों, ये करता है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे लिखा है आपका न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म बाई दिस मेम्ब्रेन, इट इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये दोस्तों डबल लेयर होता है इस टाइप से, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट, और किसका बना होता है, प्रोटीन और फैट का बना होता है। इट कंटेन पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर द मटेरियल, मतलब इसके अंदर पोर्स होते हैं, भाई बाहर से चीज़ें आएंगी या अंदर से बाहर जाएंगी, ये कैसे आएंगी, जब मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा इसका स्ट्रक्चर तब आपको पता चल जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड थ्रू दी आउटर लेयर ऑफ दिस मेम्ब्रेन, जो ये मेम्ब्रेन होती है इसके आउटर लेयर से, डबल लेयर होता है तो आउटर लेयर से दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट होता है। चलिए बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो जो मैंने आपको बताया प्रोटोप्लाज्म, अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कारियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सेप। इसको कारियोप्लाज्म बोलते हैं दोस्तों और न्यूक्लियर सेप भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि इनसाइड दी न्यूक्लियस होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज ऑफ, देखो यहाँ पे मैं प्रोटोप्लाज्म को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म ही आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि इनसाइड दी न्यूक्लियस होता है। तो प्रोटोप्लाज्म से क्वेश्चन बनता है कि किसका बना होता है, तो ये बना होता है दोस्तों न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। इसको चाहे भूल जाना, इसको याद रख लेना, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन का बना होता है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। एक क्रोमेटिन क्या है दोस्तों, क्रोमेटिन क्या है दोस्तों, क्रोमेटिन एक जेनेटिक मटेरियल है जिससे आपके क्रोमोसोम बनते हैं, जिससे आपके क्रोमोसोम बनते हैं। ये श्रिंक होता है जब सेल डिवाइड होती है,
जब सेल भाई देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी भाई, जीन का कब यूज होगा, जीन का कब यूज होगा दोस्तों, जैसे कि हम पैदा हुए हैं अपने मम्मी पापा से पैदा हुए हैं तो उनके सेल हमारे अंदर आए हैं, तो सेल डिवाइड हुआ है दोस्तों, मतलब सेल डिवीजन हुआ है, सेल का डिवीजन हुआ है। और सेल के डिवीजन में दोस्तों क्या हुआ है, सेल के डिवीजन में क्रोमेटिन श्रिंक होके क्रोमोसोम में बदल जाता है, और यही दोस्तों कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मतलब जैसे कि आपके पापा अगर क्रिकेटर हैं तो आप में भी क्रिकेटर वाले गुण आ जाएंगे, ठीक है। तो यही दोस्तों जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम, जो किससे बनते हैं, क्रोमेटिन से बनते हैं, और ये किस में होते हैं दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ अबेंडेंट प्रोटीन, फास्फोरस एंड न्यूक्लियर एसिड। तो ये आपके प्रोटीन से बना होता है प्रोटोप्लाज्म, फास्फोरस से बना होता है और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों न्यूक्लियोलस पढ़ते हैं, न्यूक्लियोलस क्या है दोस्तों, देखो न्यूक्लियोलस होता है दोस्तों मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है दोस्तों आरएनए को सिंथेथाइज करना। अब देखो एक होता है सिंथेथाइज करना, सिंथेसिस, एक होता है दोस्तों सिक्रेट करना, दोनों में अंतर है। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, जैसे आपने बनाना मतलब केला नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ को फॉर्म करना, जैसे कि आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है दोस्तों, फोटोन मतलब प्रकाश, ठीक है। फोटोन किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, कि भैया जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेट होते हैं उसके रूप में बना होता है, और उन पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन प्लस सिंथेसिस क्या बन जाता है, फोटो सिंथेसिस बन जाता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों प्रकाश से पेड़ पौधे अपना फूड बनाते हैं। तो सिंथेसिस का मतलब होता है सिंपली किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। और वहीं पे सिक्रेट का मतलब होता है दोस्तों उसका, उसको निकालना, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ये आरएनए को बनाता है और स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए, और ये दोस्तों जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को किसमें, डीएनए में स्टोर करके रखता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है दोस्तों, क्रोमोसोम क्रोमेटिन से बनते हैं और ये कैरी करते हैं दोस्तों जीन्स को, ऑल्सो कॉल्ड हेरिडेटरी व्हीकल, इसलिए इनको दोस्तों हेरिडेटरी व्हीकल बोला जाता है क्रोमोसोम को। पढ़ाएंगे जब जेनेटिक को हम चैप्टर, मतलब जेनेटिक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जीन्स क्या होते हैं, कैसे कैसे क्रोमोसोम बनते हैं दोस्तों, कैसे ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कितने जोड़े होते हैं, मतलब पेयर्स कितने होते हैं, हम में कितने हैं, बंदर में कितने हैं, कुत्ते में कितने हैं, सभी में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ही होता है जो कि न्यूक्लियस के बाहर सेल में मौजूद होता है। फ्लूड लाइक सब्सटेंस ऑफ विस्कस नेचर फिल्ड इन सेल, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज द बेसिक फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। मतलब दोस्तों इसको फिजिकल बेसिक बोला जाता है, किसको, प्रोटोप्लाज्म को। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछता है कि फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, तो आपने आंसर करना है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और दोस्तों प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिक है, ठीक है। और इसका नाम दोस्तों प्रोटोप्लाज्म किसने रखा, ये रखा दोस्तों पुरकिंजे ने, ठीक है, पुरकिंजे ने इनका नाम रखा दोस्तों प्रोटोप्लाज्म, ध्यान रखना आपने। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आपका आता है दोस्तों साइटोप्लाज्म में। देखो दोस्तों क्या क्या चीजें होती हैं साइटोप्लाज्म में, ये होता है आपका सेल ऑर्गेनेल, देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका रिमेनिंग पार्ट है सेल का, और इसमें आपका जो है फ्लूड, उसको क्या बोल रहे हैं हम, उसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं तो दोस्तों सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट में ईआर। अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि इनको किसने डिस्कवर किया, तो मोस्टली बुक में आपको नहीं दिखेगा, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पढ़ा रहा हूँ दोस्तों एनसीईआरटी से। देखो एक तो एनसीईआरटी एक्यूरेट होती है 100%, ठीक है, और जितनी भी एग्जाम होते हैं दोस्तों इसी से क्वेश्चन उठाते हैं। आप जो ये फॉलो करते हैं कौन सा है, लुसेंट, लुसेंट में बहुत ज़्यादा गलती है, ठीक है, उसको भूल के ही मत पढ़ना, ठीक, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गलती है और आप गलत करेंगे कुछ नहीं हो सकता।
तो इनको डिस्कवर किया दोस्तों अल्बर्ट क्लाउड ने एंड कैथ पोर्टर ने, कैथ पोर्टर एंड अल्बर्ट क्लाउड ने इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया। अब यहाँ पे दोस्तों हम टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो आप देख पा रहे हैं ये, चलिए ऊपर कर लेते हैं थोड़ा इसको, इमेज इधर ले आते हैं। देखो अब आपको क्लियर दिखेगा, ये है आपके इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इधर जो आप देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है दोस्तों रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो इधर आप देख पा रहे हैं ये है दोस्तों स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। और दोस्तों ये जो आप मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं इसके आउटर लेयर से कनेक्ट है, इसके आउटर लेयर से कनेक्ट है, और अंदर से दोस्तों एमआरएनए आता है। एमआरएनए क्या है दोस्तों? मैसेंजर आरएनए। भाई देखो, कोई चीज़ आपने बनानी है तो आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने कुछ बनाना है, ठीक है, तो बॉस क्या करेगा दोस्तों? बॉस से आपके पास एक मैसेज आएगा कि भैया आपने ये चीज़ पे काम करना है। तो ऐसे ही दोस्तों बॉस यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है, क्योंकि ब्रेन है, तो ब्रेन ही एक मैसेज सेंड करता है जिसको बोलते हैं दोस्तों मैसेंजर आरएनए, कि भैया आपने ये चीज़ करनी है। वो चीज़ क्या करनी है दोस्तों? प्रोटीन को बनाते हैं आपके इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपने सुना होगा दोस्तों कि प्रोटीन तो राइबोसोम बनाते हैं, तो रुकिएगा अभी हम बात करते हैं राइबोसोम की भी। तो देखो जो आप देख पा रहे हैं दाने दाने से है ना, स्मॉल, ठीक है, यही दोस्तों राइबोसोम होते हैं, जो कि रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे होते हैं, इसलिए इसको रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर ये स्मॉल स्मॉल स्पोर्ट से बने होते हैं जिनको राइबोसोम बोलते हैं। जबकि जबकि आपका स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम नहीं होता, कोई भी राइबोसोम नहीं होता है। अब देखो दोस्तों, जो ये आप देख पा रहे हैं पाइप से, ये पाइप, इनको दोस्तों सिस्टर्नी बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी बोला जाता है। और इनके साइड में एक छोटे छोटे से स्पोर्ट्स होते हैं ऐसे दोस्तों, जब प्रोटीन बन जाता है तो इसमें स्टोर होता है, इसमें स्टोर होने के बाद दोस्तों ये क्या होता है, मतलब ये ऐसे फूल जाता है, ऐसे फूल जाएगा, और ये यहाँ से उठेगा, उठने के बाद मतलब यहाँ से निकलेगा, और निकलने के बाद कहाँ जाएगा दोस्तों? ये जाएगा आपका गोल्की अपरेटस के पास, और गोल्की अपरेटस क्या करेगा दोस्तों? उसको टारगेटेड सेल के पास पहुँचा देगा, जिसको भी उसकी नीड होगी, ठीक है, उसी सेल के पास ले जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा गोल्की अपरेटस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेटर, ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज बनाता है दोस्तों। इसको हम ग्रेनुअल ईआर भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं दाने दाने से निकले हैं, इसलिए इसको ग्रेनुअल ईआर भी बोलते हैं। ये दोस्तों बनाता है, सिंथेसिस करता है, और सिक्रेट करता है सीरम प्रोटीन, सीरम प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। देखो दोस्तों सीरम क्या है? हम ब्लड में पढ़ते हैं, ब्लड में पढ़ते हैं, ब्लड का एक पार्ट होता है, ठीक है, सीरम। तो इस प्रोटीन को कौन निकालता है दोस्तों, या कौन बनाता है? ये बनाता है दोस्तों इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको दोस्तों हम एल्बुमिन भी बोलते हैं। हार्मोन्स जैसे कि दोस्तों इंसुलिन, ये भी दोस्तों कहाँ से निकलते हैं? रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं। राइबोसोम आर कनेक्टेड एट द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ मेम्ब्रेन, किसकी मेम्ब्रेन दोस्तों? देखो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके इधर क्या है? इसके इधर है आपका साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्मिक साइड की साइड ही आपके राइबोसोम लगे होते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये दोस्तों सिंथेसिस करते हैं लिपिड्स, स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कैल्शियम कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन होता है दोस्तों? स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, और ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन को भी कौन कंट्रोल करते हैं दोस्तों, या इस प्रक्रिया को कौन करते हैं? स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। तो ये दोस्तों हमने आज का सेशन देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा, क्योंकि ये पब्लिक होगी आज की वीडियो,
इसके बाद जितना भी वीडियो आएगा दोस्तों, जितना भी लेक्चर आएगा, वो सभी हम प्राइवेट रखेंगे। अब इस पर हम सेल पर एक लेक्चर और लेंगे और उसमें आपके जितने भी एमसीक्यूज बने हुए हैं इससे, उनको भी मैं आपके सामने दोस्तों डिस्कस करूँगा। तो देखो, इसी टाइप से हम सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, तो दोस्तों बेनिफिशियल होगा आपके लिए कि आप इनरोल कर लें, क्योंकि आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी कहीं से पढ़ सकते हैं, बट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, जिस मैनर में आपको पढ़ाऊंगा और जितना शॉर्ट में मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सिर्फ हम एसएससी जेई के लिए फोकस कर रहे हैं, इसलिए आप आइए दोस्तों, इनरोल कीजिए और मेरे इस नंबर पर मैसेज कीजिए। सभी पीडीएफ आपको मिलेगी, जितनी भी पीडीएफ है, इसमें थोड़ा सा और मैं करेक्शन करूँगा, मतलब जो भी चीज़ थोड़ी बहुत मुझे ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिखूंगा दोस्तों, जैसे ये इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, इसको मैं हाईलाइट करूंगा। तो फाइनल जो शेप आपको मिलेगी वो इससे भी बेटर मिलेगी आपको, ठीक है, जो कि हम अपने ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, ठीक है, वे सभी ग्रुप में होंगे और उन्हीं को सभी चीज़ें मिलेगी दोस्तों। और इससे अलग दोस्तों, हम टेक्निकल के भी शॉर्ट नोट्स जो कि एसएससी जेई के लिए होंगे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।